नमस्कार किसान भाइयों, अभिमन्यु एग्री बिजनेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सरसों की चार नई किस्मों के बारे में, जिनको आप लगाकर सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। सरसों की बुआई का जो उचित समय होता है 15 सितंबर से लेके नवंबर माह तक की उपयुक्त होता है और इसकी बुआई किसान भाई कर सकते हैं। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन के लिए कई सारी चीजों का होना आवश्यक होता है और अच्छे उत्पादन के लिए कई सारी चीजें जिम्मेदार होती हैं, जैसे वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है और जो पानी है वो कैसा है और कितना पानी वहाँ पे उपलब्ध है। फसल के उत्पादन में इन सारी चीजों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कौन सी किस्म हम लगा रहे हैं। यदि सारी चीजें अनुकूल हैं लेकिन हम जो किस्म लगा रहे हैं वह सही नहीं है तो आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। इसलिए जिस भी किस्म को आप लें वह विश्वसनीय होना चाहिए। हम आपको चार ऐसी किस्मों के बारे में बताएंगे जिनको आप लगाकर निश्चित ही अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। जो पहली किस्म है अभिमन्यु एग्री सीड्स की होली किस्म। इसके दाने का जो रंग होता है आकर्षक पीला व चमकदार होता है। अगर इसके समय अवधि की हम बात करें तो यह किस्म मात्र 90 से 100 दिन में ही पक के तैयार हो जाती है। यदि इसकी आप सितंबर के माह में बुआई कर देते हैं तो यह नवंबर लास्ट में पककर तैयार हो जाएगी और आप पछेती गेहूं की भी खेती कर सकते हैं या अन्य कोई फसल ले सकते हैं। अगर पौध ऊंचाई की बात करें तो ये 4 से 5 फीट ऊंचा पौधा होता है, इससे गिरने की भी समस्या नहीं होती है और इसमें प्रत्येक फली में 13 से 14 दाने होते हैं। और अगर प्रति एकड़ उत्पादन देखा जाए तो ये 6 से 7 क्विंटल उत्पादन बिल्कुल आसानी से लिया जा सकता है और इसमें तेल की प्रतिशत मात्रा 42 से 44% पाई जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी होती है। दूसरी है अभिमन्यु एग्री सीड्स की फिरंगी किस्म। इसके दाने का जो रंग होता है पीला व चमकदार होता है और दाने मोटे होते हैं। इसकी फसल अवधि जो होती है 120 से लेके 125 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है और इसके पौधों की ऊंचाई 4 से 5 फीट होती है और प्रति पौधे में इसमें 25 से 30 द्वितीयक शाखाएं होती हैं और प्रत्येक शाखाओं में फलियों की भी अधिक मात्रा होती है और इसकी फलियां मोटी होती हैं और प्रति फली में अगर दानों की बात करें तो 16 से 18 दाने पाए जाते हैं। इसका उत्पादन 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ लिया जा सकता है। इसमें भी तेल प्रतिशत की मात्रा 42 से 44% तक की पाई जाती है। जो हमारी तीसरी किस्म है अभिमन्यु एग्री सीड्स की उपासना। इसके दानों का रंग जो होता है वो काला व चमकदार होता है। इसकी फसल अवधि 120 से 25 दिन होती है। पौध ऊंचाई की अगर बात करें तो 5 से 6 फीट होता है और इसका तना मोटा व मजबूत होता है। प्रत्येक पौधे में 40 से 50 द्वितीयक शाखाएं होती हैं और सभी शाखाओं में पर्याप्त फलियां भी होती हैं और प्रत्येक फली में 15 से 18 दाने भी पाए जाते हैं। अगर प्रति एकड़ उत्पादन की हम इसकी बात करते हैं तो 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन लिया जा सकता है, जो कि सरसों का बहुत ही अच्छा उत्पादन है। और इसकी जो हमारी चौथी किस्म है अभिमन्यु एग्री सीड्स की झलक। इसके दाने का रंग काला व चमकदार होता है। फसल अवधि इसकी भी 120 से लेके 125 दिन तक की होती है। इसकी पौध ऊंचाई 5 से 6 फीट होती है और इसकी फलियां चिपका टाइप होती हैं। प्रत्येक फली में 15 से 16 दाने भी होते हैं और दाना झड़ने की समस्या बिल्कुल इसमें नहीं पाई जाती है और प्रति एकड़ जो इसका उत्पादन होता है 10 से 12 क्विंटल तक की लिया जा सकता है बिल्कुल आसानी। और तेल प्रतिशत की अगर बात करें तो 40 से 42% तक की तेल की मात्रा भी इसमें पाई जाती है। ये चार ऐसी किस्म है जिनको आप लगाकर सरसों की फसल से अच्छा सा अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। यह विश्वसनीय किस्में हैं और काफी किसान भाई इनको लगाकर अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, तो आप भी इन किस्मों का चयन करें और अपने खेतों में इनकी बुआई करें और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन पाएं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।